मेरे कनेक्शन इंटरसेप्शन मारे 307 मारे कैलेंडर मारे कैलेंडर से मारे 400 रुपये पर स्टोर भी मारे अभियोजन कार्य संक्षेप में कि दिनांक 14/6/2023 को रात्रि 21/11 2011 को रात्रि 25 बजे फरियादी सत्यम जैन अपने दुकान पर था। तभी लंकू गुप्ता और सिद्धू नामदेव का अजय गुप्ता मुकेश गुप्ता एवं विजय नामदेव तीन जो जो है एक दल होगा हमारा जिसमें अजय गुप्ता मुकेश गुप्ता विजय नामदेव ने इशारा करके बताया कि वह उसकी दुकान आए और उससे कान की बाली मांगे तो फरियादी बाली निकालने लगा। तो मैंने 21 मारे लिंकू गुप्ता एप्लीकेंट नंबर 1 मालक वह पिस्तौल निकालकर उसे जान से मारने की नियत से गोली मारी जो उसके बाएं पैर के जांघ में घुटने के पास लगी। तब वह चिल्लाया कि सिद्धू चाकू निकालकर एप्लीकेंट नंबर 2 मालक चाकू जो हमारे डवा पास से जो है वो प्रूफ नहीं हुआ उसमें जो है कोई हमको कन्विक्शन नहीं हुआ मालक। अन्य लोग उसकी आवाज सुनकर दौड़े तो सभी आरोपी वह मोटरसाइकिल से भाग गए। इसको मालक कांग्रेस जो है PW सौंदर्य प्रसादन की नाम पड़ रहे आप मतलब PW2 मालक पैरागन इंडोर मालक मुश्ताक पहचानता हूँ। मेरी दुकान न्यू शिमला स्टोर यादव कॉलोनी में सौंदर्य प्रसादन की थी। घटना दिनांक 14/6/2021 की रात के 8:25 बजे की है। मैं अपनी दुकान में था तभी सिद्धू दुकान में आया साहब लिंकू भी आए। सिद्धू हेलमेट लगाया था। सिद्धू ने मुझसे हमसे कहा कि कान की बाली चाहिए। जैसे मैं कान की बाली निकालने लगा तभी सिद्धू ने हेलमेट निकालकर काउंटर पर रख दिया और पिस्तौल निकालकर गोली चलाई जो कि मेरे बाएं पैर में घुटने के पास लगी। सिद्धू ने उसी समय 2 गोली और चलाई। इसके बाद मारे कांग्रेस से आप देखेंगे तो फिर होशा ही हुए मारे FIR में जो है प्रासिकों ने स्टोरी में जो है लिंकू के द्वारा मारना बताया। यहाँ चीफ में किसको बता रहे हैं सिद्धू को। फिर जो है प्रासिक्यूशन ने उनको होशा ही किया मारे। तो कांग्रेस पैरा अभियोजन ने साक्षी से सूचक प्रश्न और ऐसे सभी प्रश्न पूछने की अनुमति चाहिए। प्रति परीक्षा में प्रतिरक्षा द्वारा पूछे जा सकते हैं। अभिलेख का अवलोकन किया गया। उभय पक्षों को सुना गया। बाद विचार अनुमति दी गई। Paragraph 5 वाला ये बात सही है कि मिल्कू गुप्ता ने पिस्तौल निकालकर मुझे जान से मारने की नियत से गोली मारी थी। ये बात भी सही है कि वो गोली मेरे बाएं पैर के जाल में घुटने के पास लगी। ये बात सही है कि जैसे चल रहा है तो सिद्धू ने चाकू निकालकर मारने दौड़ी। अब इसमें मैंने एक कुछ आप देखे हैं प्रोसिक्यूशन स्टोरी में मिल्कू को बता रहे फिर आपका जब चीफ हुआ चीफ में आपने क्या बताया सिद्धू ने मारा फिर जब हॉस्टाइल किया तो फिर आपने जो है मिल्कू को ऐसे बोला। हमारे खिलाफ आप एलिगेशन देखे तो हमारे खिलाफ कुछ नहीं हमारे लिस्ट में करीब 30-40 सालों से किराएदार है। मेरे पिताजी के समय के किराएदार है। मेरे पिताजी के समय से दुकान का किराया देते आ रहा है। मेरे पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद वो मुझे और मेरे बड़े भाई किराया देने लगे। ये सही है कि जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ा हम लोगों को दुकान की आवश्यकता हुई तो हमने उनसे दुकान खाली करने को कहा। Paragraph 11 ऐसा नहीं रहा कि मकान खाली कराने के लिए हमारे बीच आपस में मनमुटाव रहता है। फिर एक दो बार दुकान खाली कराने के लिए कहा गया। वे अभी तक किराया देते चले आ रहे हैं। मेरे पिताजी किराए की रसीद देते थे लेकिन मेरे द्वारा व मेरे भाई के द्वारा कोई रसीद नहीं दे रहे। ये कहना सही है कि मिल्कू गुप्ता के पिताजी मुकेश गुप्ता द्वारा मेरे भाई पप्पू जैन अशोक जैन एवं मेरा भतीजा बंटी जैन के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट वो अंतिम में लिखाई गई थी। मुझे ये नहीं मालूम कि आरोपी सिद्धू के द्वारा भी जो है गोरखपुर मेरे भाई पप्पू जैन के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट लिखाई गई। जिस समय मुझे पैर में चोट लगी थी उसके 10 मिनट बाद पुलिस मौके पर आ गई थी।
पुलिस को किसने बुलाया मुझे नहीं मालूम, किसी ने फोन कर दिया था। ये बात सही है कि पुलिस के आने तक मैं दुकान के अंदर घायल अवस्था में पड़ा रहा। वो आई विटनेस यहाँ पर कोई है। पहला फोटो, मेरी दुकान 10 बाई 10 की है। मेरी दुकान के सामने काउंटर लगभग 8 फुट का है और दोनों काउंटर के बीच में करीब 2 फुट का निकलने का रास्ता है। काउंटर की हाइट 3 फुट करीब है। पहला 16, जो पहले सही होगी। 5 मिनट में मुझे दर्द भी होता रहा, चोट को मैंने खुला रखा। मैंने एक बार देखा कि खून निकला। मैं उस समय 5 मिनट में एक ही जगह खड़ा था। पुलिस जो मैं बताते जा रहे थे वे लिखती जा रही थी। मैं ये नहीं देख पाया कि जब मैं पुलिस को अपना बयान दे रहा था उस समय वहां पर कौन कौन आया था। मैं जैसे ही अस्पताल पहुंचा वैसे ही बेहोश हो गया। मुझे वो जबलपुर अस्पताल में लगभग आधे घंटे बाद आया। होश आने पर वहां पर मैंने किसी को नहीं देखा। 17, मैंने चोर लगने के 20-25 मिनट बाद जब दुकान खोली थी, अब यहाँ से जो आप देखे वाले अस्पताल भी पहुंच गया, रात फोन लगे, फिर उसके बाद जो है आप 20-25 मिनट बाद जो है दुकान भी खोल लिया, तब पुलिस कार्रवाई के लिए आई थी। आपको चोट लगी, आप वहां पर 10-15 मिनट बेहोश रहे, फिर आप अस्पताल भी पहुंच गए, फिर उसके बाद 20-25 मिनट बाद फिर आप स्पॉट पर रिटर्न भी आ गए। आप दुकान खोली तब पुलिस कार्रवाई के लिए आई थी, फिर उसके बाद पुलिस कभी नहीं आई। जब चोर लगी थी तब कौन सी पुलिस आई थी ये मैं नहीं बता सकता। मैं पुलिस किस रैंक की थी उसका रैंक नहीं बता सकता। पुलिस की क्या संख्या थी ये भी नहीं बता सकता। स्वतः इतना ध्यान है कि पुलिस की गाड़ी आई थी। ये कहना सही है कि जैसे ही पुलिस की गाड़ी आई और मुझे गाड़ी बैठाया और मैं सीधे अस्पताल चला गया। पहला 16, मैं अस्पताल में भी नहीं देख पाया कि पुलिस की संख्या कितनी थी। क्योंकि मुझे काफी दर्द हो रहा था, मुझे चक्कर भी आ रहे थे। मैंने प्रोटेस्ट की दो देहाती नालसी पर उसे भाग के हस्ताक्षर दुकान पर पुलिस जब आई थी उसी दिन किए थे। मैंने देहाती नालसी में जिस दिन गोली लगी थी उसी दिन दस्तखत किए थे। पुलिस ने भी देहाती नालसी पर हस्ताक्षर कराए थे। मैं बतलाते गया था, पुलिस वाले लिखते गए थे, उसके बाद मैंने हस्ताक्षर किए थे। ये कहना सही है कि देहाती नालसी की लिखा पड़ी 5 मिनट में हो गई थी। देहाती नालसी को लिखवाते समय उस पर दस्तखत करते समय मैं पूर्ण रूप से होश में था, उसके बाद बेहोश हो गया था। ऐसा नहीं हुआ कि देहाती नालसी लिखवाते समय मुझे चक्कर आते रहे। देहाती नालसी प्रदेश में दो के अलावा पुलिस ने मेरे से कोई बयान नहीं लिया। ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस पहले थाने ले गई और उसके बाद अस्पताल ले गई। 21, ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस सबसे पहले विक्टोरिया अस्पताल ले गई। ये कहना गलत है कि मैं पांडे अस्पताल नहीं गया। ये कहना भी गलत है कि मुझे जबलपुर अस्पताल नहीं ले जाया गया। मेरा 22, ये कहना सही है कि मैंने पुलिस को प्रदर्शी दो में ये बताया कि लंकू गुप्ता हेलमेट लगाया था। ये कहना गलत है कि लंकू गुप्ता हेलमेट लगाया था इसलिए मैंने उसे पहचाना था। स्वतः कहा कि लंकू गुप्ता ने हेलमेट उतार कर रख दिया तब मैंने उसे पहचाना। अब सर कोई घटना करने नहीं जा रहा, हेलमेट लगाए फिर आप दिखाएंगे कि हमारा आप चेहरा देख ले। FIR में कहीं ऐसा नहीं कि उसने हेलमेट उतारा हो, वो तो फिर उसके लिए मैं बेल फाइल नहीं किया सर। तो सेकंड में सिद्धू सर दो ब्याती लालसी ने ये बात बताई थी, ये भी ना लिखी तो मैं कारण नहीं बता सकता। स्वाची ने स्वतः कहा कि उस समय भीड़ भाड़ थी, हल्ला हो रहा था, इसलिए पुलिस वालों ने शायद ना सुना हो। काइंडली से अगर आप दे दें सर पहले PW3, ये हेयर विटनेस है इसका जो है भाई है। मैं डाले उपस्थित आरोप भी गई तो नाम और सगले से पहचानता हूँ। सचिन जैन को पहचानता हूँ। सचिन जैन की यादव कॉलोनी में शिमला स्टोर के नाम से दुकान है। 14/6/2011 की बात है। मैं अपने घर साई नाका में था तभी राकेश जैन हेयर विटनेस मारे। राकेश जैन 8 बजे करीब आए कि मेरे भाई सत्यन को गोली लगी है, जल्दी आ जाए। तो मैं तुरंत अपने टू व्हीलर से यादव कॉलोनी सत्यन की दुकान गया। पहला टू, जब मैं वहां पहुंचा उससे पहले सत्यन को गोली लग चुकी थी। सत्यन जहां पर थे वहां खून पड़ा था और उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे। मैंने सत्यन से पूछा क्या हुआ तो सत्यन ने बताया कि लिंकू गुप्ता और शिवू नामदेव गोली मारकर चले गए हैं। पहले विक्टोरिया अस्पताल ले गया, उसके बाद पट्टी वगैरह कराकर जबलपुर अस्पताल इलाज के ले गए। हम लोग साथ में अस्पताल गए। इस घटना के 2-3 दिन बाद सिब्बू नामदेव मिंकू गुप्ता के घर लेकर गई थी। मिंकू गुप्ता के घर से पुलिस ने रिवाल्वर जब्त की थी। सिब्बू नामदेव के घर से चाकू जब्त की थी जो प्रदर्शी फरार था। इसके बाद जो उनको होस्ट
छह के बाद आप देखें इसमें जो हॉस्टाइल इसमें किया है मेमोरेंडम के आधार पर, अभियोजन में मेमोरेंडम के संबंध में साक्षी से सूचक प्रश्न और ऐसे सभी प्रश्न पूछने की अनुमति चाहिए प्रति परीक्षा में अच्छा द्वारा पूछे जा सकते हैं, नियोग का अवलोकन किया गया वह पक्षों को अनुमति दी गई। ये बात सही है। पैरा 7 दिनांक 15/6/2011 को जब पुलिस ने मिंकू और मोहित के अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की थी तो उसने मोटरसाइकिल तथा हेलमेट वेड़ावान बाईपास के पास ढाबे में रखना बताया था एवं पिस्तौल को घर में छुपना बताया था। काइंडली से क्रॉस एग्जामिनेशन। पैरा 11 सत्यन जो मेरे जीजाजी है, राकेश जो मेरे जीजाजी है, दिनांक 14/6/2011 को रात्रि 8 बजे मेरे जीजा राकेश जैन के मोबाइल नंबर फला फला से मेरे मोबाइल नंबर फला फला पर आया था। मेरे घर से मेरे जीजा जी की दुकान करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है, मुश्किल से 5-7 मिनट में वहां पहुंचा जा सकता है। पैरा 12 जब मैं दुकान पर पहुंचा तब मुझे वहां पर राकेश जैन, सत्यन जैन के बड़े भाई जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है और अन्य लोग भी वहां पर मिले थे। मेरे पहुंचने के तुरंत बाद ही राकेश जैन मोटरसाइकिल पर बिठाकर विक्टोरिया अस्पताल ले गए थे। उनके साथ में भी मोटरसाइकिल से विक्टोरिया अस्पताल गए। अब सर यहाँ पर इनका अगर आप एविडेंस देखें तो वहां पर तो पुलिस है नहीं, कोई उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो नहीं गया क्योंकि ये खुद लेकर आ रहे हैं बता रहे हैं मोटरसाइकिल। तो वहां पर ये देहाती मानसी का ये जो बता रहा है पुलिस आई हमारा स्टेटमेंट वहां पर रिकॉर्ड की है उस चीज पे यहाँ पर ये विटनेस ने डिनाई किया क्योंकि यही लेके मोटरसाइकिल में जो है अस्पताल गए हैं। फिर ये काइंडली से पैरा 13 सर मैं वहां पर विक्टोरिया अस्पताल में 15 से 20 मिनट रुका था। उस समय मेरे जीजा जी की पैर में पट्टी वगैरह बंधी गई थी। विक्टोरिया अस्पताल में मेरे अलावा राकेश जैन व अन्य लोग भी थे। फिर उसके बाद एम्बुलेंस में मेरे अलावा राकेश जैन एवं मेरी दीदी ये सभी के साथ हम जबलपुर अस्पताल पहुंचे। पैरा 14 जैसे हम लोग जबलपुर अस्पताल लेकर पहुंचे हैं तो तुरंत ही सत्यन जैन को ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए। ऑपरेशन थिएटर में करीब 4-5 घंटे लग गए। फिर मैं पूरी रात वहां पर मौजूद रहा। अभी तक सर कोई पुलिस नहीं आ रही, कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। चलिए सर 15 पढ़ लेते। पुलिस सबसे पहले मुझे दुकान पर मिली थी, तब मैं वहां पहुंचा तो पुलिस पहले से आ चुकी थी। ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस की गाड़ी में सत्यन जैन को विक्टोरिया अस्पताल ले गया है। अगर सर पुलिस आती तो पुलिस लेके आती ना सर, वो पुलिस अपनी गाड़ी में लेके आती। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि सत्यन जैन को लेकर मुझे मीना पांडे अस्पताल के यहाँ मिले हो। पैरा 16 सबसे पहले मुझसे विक्टोरिया अस्पताल में पुलिस वालों ने पूछताछ की थी। मैंने उस समय पुलिस वालों को कोई जानकारी नहीं दी थी क्योंकि उससे मुझे घटना करने वालों के बारे में जानकारी नहीं थी। पैरा 17 पुलिस ने मेरे से घटना के दूसरे दिन पूछताछ की थी, तब मैंने पुलिस को बयान दिए थे। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पुलिस को घटना दिनांक 14/6/21 को ही घटना के संबंध में बयान दिए हो। 16/15/6/2011 को जब जीजा जी होश से आए उन्होंने जानकारी बताई तो मैंने पुलिस को इस बारे में बता दिया। ये कहना गलत है कि 15/6/2011 को मैंने पुलिस को कोई बयान नहीं दिए। पैरा 18 मैडम बचाव उच्च अधिवक्ता द्वारा आरोपी सिद्धू नामदेव के संबंध में पूछने पर साक्षी ने व्यक्त किया कि न्यायालय ने लाश शब्द पहले जो कहा वही सिद्धू नामदेव। आरोपी के नाम पूछे जाने पर उसने नाम सिद्धू नामदेव बताया। मैं दिनांक 15/6/2011 को दोपहर 3 बजे जबलपुर अस्पताल अपने घर आया था। फिर मैं 1-1.5 घंटे तक अपने घर पर रुका। फिर उसके बाद जबलपुर अस्पताल चला गया। फिर मैं पूरी रात यानी कि 24 घंटे रहा। फिर दिनांक 16/6/2011 को मैं 1-1.5 बजे अपने घर आए। फिर मैं 1-1.5 घंटा रुका। फिर उसके बाद अस्पताल चला गया। फिर मैं पूरी रात अस्पताल में रुका। मैं लगातार 4-5 दिन तक उपरोक्त समानुसार घर और अस्पताल आते जाते रहा। पैरा 21 पुलिस वालों ने मेरे से कुछ कागजों पर हस्ताक्षर अस्पताल में और कुछ कागजों में पुलिस थाने पर मेरे से हस्ताक्षर कराए थे। ये कहना सही है कि मुझे आज याद नहीं है कि भेड़ाघाट में मोटरसाइकिल जब्त हुई थी, ये अच्छा मेरे से भेड़ाघाट में जब्ति के समय कराए थे। पुलिस आती जाती रहती थी, मुझे अस्पताल से भेड़ाघाट लेकर गई थी। पुलिस के पास मेरा मोबाइल नंबर था, उसके माध्यम से मुझे सूचना देते थे। पैरा 22 जब मैं भेड़ाघाट गया था मैं किस तारीख को गया उसकी तारीख और समय मुझे याद नहीं है। मैं पुलिस वाले के साथ गया था, मैं अपनी गाड़ी में था, पुलिस वाले अपनी गाड़ी में थे। पुलिस ने मुझे बताया था कि तुलसी ढाबा के पास हेलमेट गाड़ी मिल गई है।
वहां चलना है, वहां पर पुलिस वालों ने जबकि पप्रू मुझसे हस्ताक्षर कराए थे। पैरा 26 लास्ट ये बात कही है कि मैं सत्यन जैन का साला हूँ, पर यह बात गलत है कि मैं उसके कहने से धोती दबा दे रहा हूँ। राकेश जैन उसमें सर कोई आइडेंटिटी सर आप देखे तो नहीं है, इसमें पूरे इनके भाई हैं, साले हैं, जीजा हैं। PW5 जो है राकेश जैन, ये रियल बेजर है सर। मैं न्यायालय उपस्थित आरोपी मुन्ना एवं अनुपस्थित आरोपी सिब्बू एवं मुंकी गुप्ता को पहचानता हूँ, सत्यन जैन को जानता हूँ, वे मेरा भाई है। सत्यन जैन यादव कॉलोनी में स्थित माना मार्केट में न्यू सिमला स्टोर के नाम से जंगल स्टोर की दुकान चलाता है। पहला टू घटना दिनांक 14 जून की है और आज से 2-3 दिन साल हो गए हैं सर, मुझे ध्यान नहीं है। रात के 8-8:15 बजे की बात है, मैं अपनी दुकान न्यू सौंदर्य प्रसाधन मूल चंद मार्केट यादव कॉलोनी में था। मैं दुकान के बाहर खड़ा था, उसी समय सिब्बू नामदेव, मिंकू गुप्ता, अज्जू गुप्ता, मुकेश गुप्ता, मुन्ना भाईजन, विजय नामदेव, कल्याणी पांडे घर के पास सामने खड़े थे। इन लोगों से हम लोगों की दुश्मनी चल रही थी, तो मैंने सोचा कि ये लोग आज यहाँ क्यों खड़े हैं। मैंने देखा कि मिंकू गुप्ता एवं सिब्बू नामदेव मामा मार्केट के अंदर गए। मुकेश गुप्ता, मुन्ना भाईजन, विजय नामदेव, अज्जू गुप्ता ने इशारा करके बुलाया था। मैं इनके पीछे पीछे अपने भाई सत्यन की दुकान तरफ गया और वहां जाकर खड़ा हो गया। मिंकू गुप्ता हाथ में हेलमेट भी पकड़े हुए था। ये लोग सत्यन की दुकान में पहुंचे और सत्यन से कान की बाली मांगी। सत्यन जैसे ही कान की बाली निकालने के लिए झुके, तभी मिंकू गुप्ता ने सत्यन के ऊपर पिस्टल से गोली मार दी। तभी सत्यन जैन चिल्लाया, भैया सत्यन जैन ने मुझे देखा और बोला मिंकू ने गोली मार दी। सर ये यहाँ पर ही जा रहे हैं देख रहे, तो तभी सत्यन बताएगा आप जब आईविटनेस बन रहे हैं आप बता दे, हमने देखा पीछे पीछे जा रहा है, इशारा देख रहा है, सब चीजें देख रहा है, फिर ये सत्यन इनको क्यों बता रहा है? सामने तो आप है ना, इशारा देख रहा है, कर रहे हैं, पीछे पीछे जा रहा है, तो आपका जो स्टेटमेंट होता है वो ये होता है कि हमने देखी घटना, तो ये हमारे सामने मिंकू ने मारना है। सर सत्यन ने चिल्लाया कि मिंकू ने मारा, तब इनको पता चला। काइंडली सीन मारे देखे आप, मैं इनके पीछे पीछे दौड़ा तो सिब्बू नामदेव ने चाकू निकाल लिया और मुझे डराया। सर यहाँ पर आप इरीगेशन देखें, हमारे एप्लीकेशन नंबर सत्यन का सर हमारे नहीं बता जिसको चोट लगे, ये किसका बता रहा है सर? राकेश जैन का। जब हम गए तो हमारे को ये दौड़ा जो पर्सन सत्यन जैन, उसके खिलाफ कोई नहीं आ रहा हमारे। जब ये वहां पर ये गए हैं तो इनका ये रोल आ रहा है कि जो एप्लीकेशन नंबर 2 है सिब्बू, तो वो जो है ये PW5 को जो है मैं उनके पीछे दौड़ा तो सिब्बू नामदेव ने चाकू निकाली और मुझे डराया, तो मैं उनके पीछे भागा और पीछे से और लोग दौड़े। तब ये लोग 2-4-5 गाड़ी कल्याणी पांडे सामने भाग गए सर। हमारे इल्यूशन देख लिया सर आप, अब 25 आम सेट का जो ये बता रहा है वो हमारे खिलाफ सर प्रूफ नहीं हुआ कि ये सिर्फ दौड़ के हम इनको चाकू लेके दौड़े, ऐसा कोई रोल भी नहीं हमारा सर। फरियादी कोई मारने में रोल नहीं है, वहां भी उन्होंने क्लियर कर, सिर्फ उनका रोल आ रहा है तो इनका भी सर आप देख ले कोई प्रूफ नहीं। उसके बाद काइंडली सी नेक्स्ट पैरा सर आप देख लें, पैरा 4। कुछ लोग भैया सत्यन जैन को वहां से लेकर अस्पताल ले गए। पुलिस ने मेरे सामने PDSP-17 का मौका नक्शा तैयार किया था जिसके इस आधार पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मुझसे पूछताछ भी की थी, पुलिस को यही बात बताई थी। घटना के समय मेरा भाई जींस का पैंट पहना था, वह पैंट जब्त हो गया है। पैंट किसने जब्त किया मुझे नहीं मालूम, जो प्रदर्शी फला फल है। काइंडली सी पैरा उसके बाद 7 देख ले। फिर यहाँ पर जो है प्री होस्टाइल हो रहा हमारे अभियोजन ने साक्षी से सूचक प्रश्न और ऐसे साक्षी प्रश्न पूछने की अनुमति चाहिए जो उनको अनुमति दी गई। ये बात सही है कि पुलिस ने 15/6/21 को शाम के 7 बजे मिंकू से पूछताछ की थी और मिंकू ने पिस्टल घर के बाथरूम में छिपा कर रखना और मोटरसाइकिल का हेलमेट भेड़ाघाट बाई पास ढाबे के पास छिपा कर रखना बताया था। काइंडली से क्रॉस एग्जामिनेशन पैरा 11 मालन। ये कहना सही है कि मैंने पुलिस को जो बयान दिए थे वे मैंने पढ़ लिए थे। ये कहना सही है कि मैंने पुलिस को जो जो बातें बताई थी वह बातें पुलिस ने मेरे बयान में लिख ली थी और मैंने उन्हें अच्छे से पढ़ लिया था। ये बात सही है कि पुलिस ने घटना स्थल पर ही घटना दिनांक को मेरे बयान दिए थे। पैरा 12 मैंने पुलिस को PDSP-D1 का कथन लेखक कराते समय ऐसा नहीं बताया था कि मुझे 8:30 बजे रात सूचना मिली कि मेरे भाई सत्यन जैन को किसी ने गोली मार दी है और तुरंत भागा तो देखा कि मिंकू गुप्ता और शुभू नामदेव भाग रहे हैं। यदि पुलिस ने PDSP-D1 के से वहां पर उपरोक्त बात लिखी हो तो वे गलत है। तो
PW एड देखने सर, जो डॉक्टर का जो उन्होंने जो PW एड सर डॉक्टर पंकज जो भदौरिया सर, सर अगर डॉक्टर आप देखें चोट क्रमांक एक की दो चोटें जो बता रहे हैं सर, तो उनका ओपीएन जो है सर, मेरे मतानुसार आहत को आई चोटी परीक्षण से 6 घंटे की अवधि के भीतर की आग्नेय शस्त्र से आना संभव थी। मैंने आहत की चोट के परीक्षण हेतु बाएं जांघ के एक्सरे की सलाह दी थी तथा मेडिकल का रेफर किया था जो एमएससी फर्म क्रॉस एग्जामिनेशन में सर जो इनका जो इंजुरी है सर, जो क्वेरी रिपोर्ट, ये कहना गलत थी कि आहत को आई चोटे साधारण प्रकृति की थी। याद नहीं की मरीज स्वयं चलकर आया था या उसे स्ट्रेचर पर लाया था। मुझे याद नहीं कि आहत ने मुझे घटना के संबंध में कुछ बताया था या नहीं। मैंने आहत से चोट आने के संबंध में कोई जानकारी नहीं ली। सामान्यतः हम आहत से उसके चोट के संबंध में नहीं पूछते। स्वतः गांव के आकस्मिक चिकित्सा कस्बे मरीज अत्यधिक की संख्या में आते हैं, इसलिए चोटों के संबंध में नहीं पूछ पाते। मुझे आज याद नहीं कि मैंने आहत का परीक्षण कितने समय तक किया। अब सर इसमें हमारा जो है आप देख लें सर, हमारा तो कोई रोल सर है ही नहीं। हमारा सर जो डिवाइल भी आया बताओ नहीं तो PW2 में सर अगर आप देखे हमारा सर पहले किसका नाम बताया नहीं जो होस्टाइल किया सर उसमें पहले आपने चीफ में क्या कहा सर, आपने को बोल दिया आपने चीफ में बोल दिया उसको होस्टाइल किया, प्रोसिक्यूशन ही नहीं किया ना सर। तो प्रोसिक्यूशन ने तो यहाँ क्लियर कर दिया ना हमको, उसमें अपना यहाँ ही आ गया ना पहला फाइल में आपसे कहा है कि आप चाकू लेकर उसको दौड़े मुझे दिखा देगी क्रॉस किया आपने, आप तो बताइए आप तो सर इसका भी है समर्थन भी तो सर किसी बिजनेस ने अगर भरी में खराब तो क्रॉस भी होगा तो एडमिट हो गया है। सर आप ये बताइए आप जो दुकान में बैठे हुए हैं, दुकान का जो एरिया है 8x10 फुट का है, अब ये दौड़े का सर इनका आप देखे ना, ये कहाँ पर थे उस समय जिस समय घटना बढ़ी, काउंटर में बैठे हुए थे। डिनाइल बताओ आप है क्या सही आप आपकी तो ये एडमिट फैक्ट हो गया है तो ये